हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन द सब्जेक्ट मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर वन एंड वी आर इन द फर्स्ट मॉड्यूल दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो पिछली बार हमने डायरेक्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर में इलास्टिक कांस्टेंट एंड पंच के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज, फॉर्मूलाज और डेरिवेशन देखे थे एंड टुडे वी विल कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द इलास्टिक कांस्टेंट। बट बिफोर दैट वी विल हैव अ क्विक रिविजन ऑन द टॉपिक। तो हमने लीनियर डायरेक्शन में और लैटरल डायरेक्शन में लैटरल और लीनियर स्ट्रेन स्टडी किए थे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। देन आफ्टर वी हैड डेफिनेशन एंड फॉर्मूला फॉर लीनियर स्ट्रेन एंड लैटरल स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन इज डेल्टा एल अपॉन एल एंड लैटरल स्ट्रेन मे बी डेल्टा डी अपॉन डी और डेल्टा बी अपॉन बी एंड अनदर ऑप्शन इज डेल्टा टी अपॉन टी, दैट इज थिकनेस, विथ एंड डायमीटर। फिर हमने देखा था पॉइजन रेशियो, दैट इज म्यू, और इसे 1/m भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला एप्सिलॉन डैश बाय एप्सिलॉन है। देन वी सॉ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिनोटेड बाय एप्सिलॉन वी। द फॉर्मूला इज एप्सिलॉन वी इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम एंड दिस इज द इक्वेशन व्हाट वी नीड टू रिमेम्बर फॉर फाइंडिंग द चेंज इन द वॉल्यूम। देन वी ऑल्सो सॉ बल्क मॉड्यूलस, that is direct stress upon volumetric strain for any material, that denoted by k. फिर हमने देखा था शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। ये दोनों फिगर हमने स्टडी किए थे डिटेल में, as seen in the figure how this rivet has been broken, that is shearing of rivet. इस तरह से जो rivet टूटता है उसे बोलते हैं shearing effect and the stress induced is known as shear stress. What we need to remember is this formula tau, that is shear stress is equal to shear force upon shearing area, area that is AS, unit is newton per mm square. Then we saw shear strain. तो इसके लिए हमने एक छोटा सा डेरिवेशन किया था और फॉर्मूला हमने देखा था डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ फॉर दिस फिगर फाइ, दैट इज दिस एंगल फाइ इज इक्वल टू सी सी वन अपॉन एल। Then after we saw complementary shear stress, that is opposite to this shear stress. मतलब जो shear stress induce होता है उसका exactly opposite में, और clockwise है तो anti clockwise और anti clockwise है तो clockwise. Oppositely एक complementary shear stress produce होता है to balance the material. मतलब forces को balance करने के लिए complementary shear stress generate होता है, इसे हम balancing stress भी बोल सकते हैं। तो ये छोटा सा डेरिवेशन हमने किया था एंड वी डिराइव दैट टाउ इज इक्वल टू टाउ डैश। मतलब यहां पे शियर स्ट्रेस जितना जनरेट हुआ है उतना उसका ऑपोजिट सेम कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होता है। सो दिस वाज द क्विक रिवीजन व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। और अगर आपके ये सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप ये पिछला वाला जो लेक्चर हमने किया था वो डिटेल में फिर से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। देन आफ्टर ओनली यू कैन स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल पार्ट एंड हियर वी विल गो विद द एग्जांपल नंबर 1 फॉर इलास्टिक कांस्टेंट। तो बेसिकली इसमें जो भी जो हमने टर्मिनोलॉजी स्टडी की, लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, वो सभी टर्मिनोलॉजीज के बेस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 इज अ स्टील बार 500 mm लॉन्ग एंड 16 mm डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स ऑफ 120 kN। फाइंड चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द बार, टेक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज E2 × 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एंड एम दैट इज मॉड्यूलर रेशियो, स्मॉल एम इज मॉड्यूलर रेशियो इज इक्वल टू 3। तो यहां पे एक स्टील बार दिया गया है दैट इज 500 mm लॉन्ग, मतलब इसकी लेंथ 500 mm है एंड डायमीटर है इसका 16 mm, मतलब इसका जो डायमीटर है वो 16 mm दिया गया है डी, इसे हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स ऑफ 120 kN, मतलब ये जो बार दिया गया है वो टेंसाइल फोर्स से खींचा जा रहा है जिसकी मदद से इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, मतलब इसके डायमेंशन में कुछ चेंजेस आएंगे। फाइंड चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द बार, तो ये जो भी
चेंजेस हम इसमें नोटिस करेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है. वी नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजेस. मतलब आप देख सकते हैं इसमें कौन सी चीज में चेंजेस आएंगे. एक तो लेंथ, अगर ये खींचा जा रहा है तो इसमें कुछ एक्सटेंशन देखा जाएगा. फिर ये डायमीटर है वो थोड़ा कम होगा, मतलब इसमें कुछ गिरावट देखी जाएगी. टेक ई इज इक्वल टू, मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू हमें दी गई है. तो सबसे पहले हम डेटा लिख देते हैं. लेंथ 500 है, डायमीटर 16 mm है, डी फोर्स मतलब कैपिटल पी, कैपिटल पी हमें दिया गया है 120 kN एंड मॉड्यूलर रेशियो इज 3. ई की वैल्यू भी यहां पे डायरेक्टली दी गई है. एंड सो फ्रेंड्स, इफ दिस इज नॉट गिवन, अगर ये नहीं दिया गया है तो आप ये डायरेक्टली 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² एज्यूम भी कर सकते हैं. एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड इज चेंज इन डायमेंशन. मतलब हमें डायमेंशन में चेंजेस फाइंड आउट करना है. तो एक तो ये लेंथ में चेंज होगा, डायमीटर में. तो डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ और चेंज इन डायमीटर. तो क्योंकि ये लीनियर है तो ये आएगा लीनियर स्ट्रेन में, और ये लेटरल है, डायमेंशन है. जैसा कि मैंने बताया था कि लीनियर डायमेंशन के परपेंडिकुलर है वो है लेटरल डायमेंशन, तो वो डायमीटर में आ जाएगा. तो देखिए, अगर हमें यहां पे डेल्टा एल और डेल्टा डी फाइन करना है तो इसके जो फॉर्मूला है वो मैं यहां पे पहले आपको दिखा देता हूं. ये हो गया लीनियर स्ट्रेन और ये लेटरल स्ट्रेन, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन डैश. लीनियर स्ट्रेन है डेल्टा एल अपॉन एल और लेटरल स्ट्रेन है डेल्टा डी अपॉन डी. तो ये दोनों फॉर्मूला है जिसके ऊपर से हम डायरेक्टली डेल्टा और डेल्टा डी सब्जेक्ट बना करके फाइन कर सकते हैं. पर अभी हमारे पास क्या है कि ये लेंथ है पर एप्सिलॉन, मतलब ये लीनियर स्ट्रेन नहीं है. तो ये कैसे फाइन करेंगे और एप्सिलॉन डैश कैसे फाइन करेंगे, तो ये रिवर्स में हम जा सकते हैं. बट ये एक लॉजिक था जो हम रिवर्स डायरेक्शन में भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. फिर ये हो गया डेटा में एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और पायर स्क्वायर भी कर सकते हैं. पर ये डी मतलब डायमीटर डायरेक्टली हमें दिया गया है 16, तो हम पाई बाय 4 डी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, अगर हम इसको बीच में से काटते हैं तो जो एरिया दिखाई देगा वो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर. तो वो हमें मिल गया 201.06 mm². ये कैलकुलेटर में आप लोग कैलकुलेट करके एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं. एंड सी, इफ यू आर नॉट यूजिंग कैलकुलेटर देन इन एग्जामिनेशन डायरेक्टली यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट एट फर्स्ट. मतलब पहली बार में आप सही आंसर नहीं दे पाओगे अगर डायरेक्टली आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज कैलकुलेटर वाइल प्रैक्टिसिंग. तो एरिया मिल गया क्रॉस सेक्शनल एरिया. फिर हमें स्ट्रेस भी मिल सकता है, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए. तो पी हमारे पास पहले से दिया गया है 120 kN, इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हैं. और एरिया हमने फाइंड कर लिया, तो सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए. सिग्मा मतलब स्ट्रेस की वैल्यू हमें मिल गई है 596.83 न्यूटन पर mm². सी, एवरी टाइम वी आर कन्वर्टिंग दिस इनटू न्यूटन एंड mm, तो ये क्योंकि किलो न्यूटन में है मैंने ये न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया 120 × 10³ करके. एंड एरिया इज गिवन इन mm², तो इसमें कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. 201.6 स्ट्रेस मिल गया. फिर अगर हमें स्ट्रेस मिल जाता है तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन सिग्मा अपॉन एप्साइलॉन, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्साइलॉन, ये हमें फॉर्मूला पहले से मालूम है. तो इसके बेस पे हम चेक कर सकते हैं, हमारे पास सिग्मा है, हमारे पास ई है, तो हमें स्ट्रेन भी मिल सकता है. तो इसे सब्जेक्ट बना करके सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा की वैल्यू ई की वैल्यू डायरेक्टली इनपुट करके हमें स्ट्रेन मिल जाएगा. क्योंकि ये यूनिट लेस है, इसमें कोई यूनिट नहीं आएगा. ये हमें मिल गया एप्साइलॉन, मतलब लीनियर स्ट्रेन हो गया ये लेंथ वाइज अगर हम जाते हैं. फिर म्यू, मतलब पिछले लेक्चर में जो हमने टर्मिनोलॉजी स्टडी की थी उसमें हमें मालूम है कि म्यू मतलब पॉइजन्स रेशियो है. तो उसका फॉर्मूला एप्सिलॉन डैश बाय एप्सिलॉन है, या फिर इसे 1/ मॉड्यूलर रेशियो भी बोल सकते हैं. तो क्योंकि हमें यहां पे मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू दी गई है 3, डेटा में ही दिया गया था यहां पे m इज इक्वल टू 3, तो हम ये नहीं देखेंगे 1/m इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश बाय एप्सिलॉन.
तो ये हमारे पास एम है 3, एप्सिलॉन हमने फाइंड कर लिया, मतलब लीनियर स्ट्रेन फाइंड कर लिया, तो हम लेटरल स्ट्रेन दैट इज एप्सिलॉन डैश बी फाइंड कर सकते हैं इसे सब्जेक्ट बना करके। तो वही हमने यहाँ पे किया, वी मेड एप्सिलॉन डैश एज सब्जेक्ट एंड एप्सिलॉन अपॉन मॉड्यूलर रेशियो दैट इज लीनियर स्ट्रेन अपॉन मॉड्यूलर रेशियो दैट इज 9.93 × 10⁻⁴। तो ये वैल्यू हमें मिल गई है। देन वी विल फाइंड एप्सिलॉन दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल। तो एप्सिलॉन की वैल्यू है हमारे पास चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और इसमें ओरिजिनल लेंथ हमारे पास है एप्सिलॉन है, तो डेल्टा एल इस तरह से हम चेंज इन लेंथ फाइंड कर सकते हैं इसे सब्जेक्ट बना करके। डेल्टा एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू ओरिजिनल लेंथ। तो हमें यह हो गया 1.49 mm इंक्रीज इन लेंथ, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, वी आर हैविंग इंक्रीज इन लेंथ, पॉजिटिव मतलब इट इज ग्रेटर देन 1। अगर ये 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब इसके लेंथ में कुछ बढ़ावा जरूर आया है, दैट इज 1.49 mm। एप्सिलॉन डैश दैट इज डेल्टा डी अपॉन डी, तो एप्सिलॉन डैश की वैल्यू हमने यहां पे फाइंड कर ली, और डेल्टा डी अपॉन डी, तो इसमें डी भी हमारे पास है 16 mm डायमीटर, दैट इज ओरिजिनल डायमीटर। तो इस तरह से हम चेंज इन डायमीटर मतलब डायमीटर में जो चेंज आया है उसको सब्जेक्ट बना करके एप्सिलॉन डैश इनटू डी ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके डायरेक्टली हम डेल्टा डी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डेल्टा एल और ये हो गया हमारा डेल्टा डी। इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 1। ऑल ऑफ यू हैव टू राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 2। सो आई विल रीड द क्वेश्चन। अ स्टील बार 400 mm लॉन्ग and 20 mm wide and 10 mm thick is subjected to an axial tensile force of 200 kN. If modulus of elasticity E is equal to 2 × 10⁵ Nm² and Poisson's ratio is 0.35, Poisson's ratio मतलब mu, जो हमने डिस्कस किया है। Find the change in length, width and thickness of the bar, मतलब फिर से यहाँ पे linear lateral changes और linear changes हमें mark करने हैं। मतलब स्टील बार एक 400 mm लॉन्ग हमें दिया गया है या इसकी लेंथ 400 mm है, 20 mm वाइड है मतलब इसकी जो विड्थ है ये 20 mm दी गई है, एंड 10 mm थिकनेस मतलब ये जो थिकनेस है इसकी वो हमें 10 mm दी गई है। तो ये जो बार है मतलब ये तीनों डायमेंशन हमें दिए गए हैं। इफ ई इज इक्वल टू सॉरी एन एक्सियल टेंसाइल फोर्स ऑफ 200 kN इज एक्टिंग, मतलब ये यहां पे और यहां पे एक 200 kN का फोर्स एक्ट कर रहा है और टेंसाइल है, तो फिर से पिछली बार की तरह इसमें लेंथ में कुछ चेंजेस आएंगे पॉजिटिवली। एंड पॉइजन रेशियो इज 0.35, मतलब म्यू इज इक्वल टू 0.35। फाइंड चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, विथ मतलब ये बी जो 20 mm दिया गया है उसमें कितना चेंज आ रहा है, और थिकनेस में भी कितना चेंज आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो एट फर्स्ट विल फाइंड द राइट डाउन द गिवन डेटा। साइज ऑफ द बार मैंने यहां पे लिख दिया 20 × 10 × 400, 20 × 10 और ये 400 लेंथ है। पी की वैल्यू 200 kN, बट वी नीड टू रिमेंबर दैट वी विल कन्वर्ट एवरीवेयर दिस इंटू न्यूटन, मतलब 200 × 10�³ न्यूटन। देन म्यू दैट इज पॉइजन रेशियो दिया गया 0.35, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ Nm², मैंने पहले ही बताया है। अगर यह नहीं दिया गया देन वी नीड टू एज्यूम दिट वेर रिक्वायर्ड। वॉट वी नीड टू फाइंड इज डेल्टा एल डेल्टा बी एंड डेल्टा टी दैट इज चेंज इन लेंथ चेंज इन विथ एंड चेंज इन थिकनेस, ये सभी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो पिछली बार की तरह यहां पे भी सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, 200 × 10�³, ये हो गया न्यूटन, ये डेटा में दिया गया है हमें। एरिया दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहां पे हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, ये बार को अगर हम बीच में से काटेंगे तो जितना भी एरिया दिखता है कट होता है उसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। तो 10 × 20 ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, 20 × 10 दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू 1000 मिल गया हमें न्यूटन अपॉन mm², स्ट्रेस मिल गया 1000 न्यूटन पर mm²,
देन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें दिया गया है सिग्मा अपॉन एप्साइलॉन, फॉर्मूला है ये। तो इसमें ई है हमारे पास और सिग्मा हमने फाइंड कर लिया, तो एज वी सॉ इन द फर्स्ट एग्जाम्पल एप्साइलॉन की वैल्यू हम सब्जेक्ट बना देंगे और फाइंड कर सकेंगे सिग्मा अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 1000/2×10^5। ये 200×10^3 या फिर 2×10^5 वन एंड द सेम थिंग। ओ सॉरी बट दिस इज यंग्स मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और ये पी है। कोइंसिडेंटली इट इज द सेम बट नॉट सेम एवरी टाइम। सिग्मा अपॉन ई 1000/2×10^5 इज इक्वल टू 5×10^-3 एंड वी नो दैट स्ट्रेन इज यूनिटलेस। ये हमें लीनियर स्ट्रेन मिला है क्योंकि हमने लेंथ वाइज ये कैलकुलेट किया है। म्यू इज इक्वल टू εd/εd, ये हमें मालूम है, फॉर्मूला हमने टर्मिनोलॉजी में देखा। तो यहां पे एप्सिलॉन डैश सब्जेक्ट बना के म्यू इनटू एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन फाइंड कर सकते हैं हम म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करके। 1.75×10^-3 हमें मिल गया एप्सिलॉन डैश, इट इज यूनिटलेस। ये हो गया लेटरल स्ट्रेन। एंड लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हम सब्जेक्ट बना के पिछली बार की तरह सेम वी हैव गॉट द डेटा 2×10^-3×400। तो हमें डेल्टा डी मतलब डेल्टा एल मतलब चेंज इन लीनियर लेंथ मिल जाएगा, दैट इज 2 mm एंड इट इज इंक्रीजिंग, वी नो दैट बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 1 एज आई सेड, ये 1 से ज्यादा है। एप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये लेटरल डायरेक्शन में हम देख सकते हैं डेल्टा बी इज इक्वल एप्सिलॉन डैश इनटू बी, ये सब्जेक्ट बना दिया हमने और इस तरह से डेल्टा बी की वैल्यू हमें मिली 0.035 mm। क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है लेंथ, तो ऑब्वियस है विथ और थिकनेस इसमें डिक्रीज होगी, 0.035 mm इतनी डिक्रीज हो रही है विथ। सिमिलरली एप्सिलॉन डैश इक्वल डेल्टा टी अपॉन टी, तो ओरिजिनल टी है हमारे पास, एप्सिलॉन डैश है हमारे पास, तो डेल्टा डी हम फाइंड कर सकते हैं। सो वी गॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू 1.75×10^-3×10, दैट इज 0.0175 mm और ये थिकनेस डिक्रीज हो रही है, चेंज इन थिकनेस। तो इस तरह से हमें चेंज इन लेंथ, चेंज इन विथ और चेंज इन थिकनेस मिल सकता है। एंड हियर वी कैन इवन फाइंड चेंज इन वॉल्यूम इफ यू वॉन्ट। डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू 1-2 × μ, ये हमें फॉर्मूला दिया गया है। तो अगर ये हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं डेल्टा वी को सब्जेक्ट बना के, बाकी सब वैल्यूज डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं। इसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं, वी इस तरफ जाने देते हैं एंड वैल्यू इज 120 mm³, क्योंकि ये वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम 120 mm³ आता है। इंक्रीज इन वॉल्यूम, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इंक्रीज इन द वॉल्यूम, बट व्हाट वी नीड टू मार्क इज यहां पे इस क्वेश्चन में हमें चेंज इन वॉल्यूम नहीं फाइंड करना था, बट इफ इट इज आस्क्ड इन एग्जाम वी नीड टू फाइंड इट, और इसीलिए मैंने यहां पे एक्स्ट्रा चीज दिखाई है। एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ एग्जाम्पल नंबर 3। So I'll read the question. A metal bar 15 cm cross 15 cm and 80 cm long is subjected to a compressive force of 260 kN. Find the value of E and 1/m if the contraction. ये contraction लिखा है मैंने. 1/m if the contraction found to be 0.047 mm and increase in the thickness is 0.0026 mm. मतलब यहां पे हमें एक मेटालिक बार दिया गया है जिसके डायमेंशन है 150 mm ले सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें सब कुछ न्यूटन और mm में कन्वर्ट कर देना है फ्रॉम द बिगनिंग। तो ये 150 mm हो गया क्रॉस 150 mm एंड 800 mm लेंथ। तो ये अगर हम बार ड्रॉ करते हैं तो ये डायमेंशन हो गया 150 mm, ये भी 150 mm और जो लेंथ है वो इस तरफ है, linearly it is 800 mm क्योंकि 80 cm है। is subjected to a compressive force, तो देखो इस बार ये compressive force अंदर की तरफ act कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें length कुछ कम होगी, there will be some decrease in the length।
कंप्रेसिव फोर्स ऑफ 260 किलो न्यूटन, तो ये जो फोर्स है वो 260 किलो न्यूटन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एंड 1/m, मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और 1/m क्या है, 1/ मॉड्यूलर रेशियो इज पॉइसन्स रेशियो, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइसन्स रेशियो हमें फाइंड करना है। अगर कॉन्ट्रेक्शन 0.047 mm है, मतलब ये लीनियरली जो चेंज है वो हमें दिया गया है 0.047 mm, एंड इंक्रीज इन थिकनेस, मतलब ये थिकनेस जो 150 mm है वो 0.0026 mm इंक्रीज हो रही है, वो भी हमें दिया गया है। सो हियर आई एम मेंशनिंग ऑल द डेटा, गिवन डेटा इज P, मतलब P की वैल्यू दी गई है 260 किलो न्यूटन, तो ये 260 इंटू 10^3 न्यूटन लिख दूंगा मैं। देन लेंथ दी गई है 80 सेंटीमीटर, दैट इज 800 mm, क्योंकि mm में कन्वर्ट कर दिया। विथ 15 सेंटीमीटर, दैट इज 150 mm, थिकनेस 15 सेंटीमीटर, दैट इज 150 mm, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इन दोनों से हम फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा एल दिया गया है हमें चेंज इन लेंथ, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जो लेंथ हो रही है वो 0.047 mm हमें दी गई है, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, एंड वी आर ऑल्सो गिवन विथ चेंज इन थिकनेस एंड चेंज इन विथ, तो चेंज इन विथ और थिकनेस कितना दिया गया है हमें 0.0026 mm, ये इंक्रीज हो रही है इतनी, तो ये डेटा मैंने लिख लिया। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड इज, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एंड 1/m। तो सबसे पहले हम पॉइसन्स रेशियो यूज करके फाइंड करने के लिए एप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल हमें दिया गया है डायरेक्टली 0.047 ये, और ओरिजिनल लेंथ हमारे पास है 800 mm ये वाली, तो डेल्टा एल अपॉन एल से हम लीनियर स्ट्रेन फाइंड कर सकते हैं। लीनियर स्ट्रेन फाइंड करने के बाद 5.875 इंटू 10^-5 एंड इट इज यूनिटलेस, वी कैन फाइंड आफ्टर दैट लेटरल स्ट्रेन, तो लेटरल स्ट्रेन के लिए चेंज इन विथ अपॉन ओरिजिनल विथ, तो चेंज इन विथ भी हमें दिया गया है, या फिर हम चेंज इन थिकनेस भी बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है 0.0026 अपॉन 150, तो एप्सिलॉन डैश भी मतलब लेटरल स्ट्रेन भी हमें मिल गया एंड इट इज ऑल्सो यूनिटलेस। म्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश अपॉन एप्सिलॉन, म्यू मतलब पॉइसन्स रेशियो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं एप्सिलॉन डैश अपॉन एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू हमें मिली 0.295 क्योंकि एप्सिलॉन डैश हमने फाइंड कर लिया और एप्सिलॉन भी हमने पहले फाइंड कर लिया था, तो पॉइसन्स रेशियो इज 0.295 एंड सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए, जो हम रेगुलर फाइंड करते हैं। पी 260 इंटू 10^3 हमें डेटा में दिया है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मैंने पहले बताया आपको, इसको अगर हम बीच में से काटते हैं तो ये वाला जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया बन जाएगा हमारा, तो इसकी मदद से हम 150 क्रॉस 150 mm करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो इट बिकम्स 150 क्रॉस 150 एंड पी इज 260 इंटू 10^3, तो ये हमें स्ट्रेस मिल गया 11.55 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन E. तो सिग्मा और ये मॉड्यूलस ऑफ, सॉरी यहां पे एप्सिलॉन आएगा, कैपिटल ई नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू 11.55 जो हमने फाइंड किया, और स्ट्रेन मतलब लीनियर स्ट्रेन की बात करते हैं तो 5.875 यहां पे है, तो इस तरह से हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड कर सकते हैं 1.96 इनटू 10^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सी इफ इट इज नॉट गिवन इन डेटा एंड वी नीड टू एज्यूम, तो हम एज्यूम कर सकते हैं 2 इनटू 10^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, पर यहां पे हमें फाइंड करने के लिए बोला है, तो इसको सब्जेक्ट बना के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये हम इस तरह से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड कर सकते हैं, और वही चीज हमें फाइंड करनी थी इन द क्वेश्चन, टू फाइंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां पर दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एंड 1/m, तो 1/m मतलब म्यू, ये हमने पहले ही फाइंड कर लिया म्यू की वैल्यू 0.295 म्यू, और यहां पे हम इसे 1/m भी बोल सकते हैं 1/m, मतलब 1/ मॉड्यूलर रेशियो मिल गया हमें
0.295, तो ये दो आंसर है हमारे इस न्यूमेरिकल के लिए, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट. सो नाउ आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू विथ एग्जाम्पल नंबर 4. हमने तीन एग्जाम्पल ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ विल स्टार्ट विद द फोर्थ वन. अ बार ऑफ 16 mm डायमीटर एंड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स ऑफ 150 kN. इंक्रीज इन लेंथ एंड डिक्रीज इन द डायमीटर आर ऑब्जर्व्ड 0.045 सेंटीमीटर एंड 0.002 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. व्हाट वी नीड टू फाइंड इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइसन्स रेशियो, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. तो ये सभी चीजें हम फाइंड करनी है. तो हमें एक बार दिया गया है जिसकी डायमीटर हमें है, मतलब ये सिलेंड्रिकल बार है 16 mm एंड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है. तो लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर मतलब 120 mm और डायमीटर है 16 mm. सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, ये टेंसाइल फोर्स दिया गया है 150 kN, मतलब 150 × 10³ न्यूटन. और ये लेंथ कुछ इंक्रीज होगी इसकी क्योंकि इसमें टेंसाइल फोर्स दिया गया है, तो 120 mm में से कुछ ज्यादा होगा. इंक्रीज इन द लेंथ एंड इंक्रीज इन द डायमीटर आर ऑब्जर्व्ड, तो ये हमें दिया गया है. चलो इंक्रीज इन लेंथ है 0.045 सेंटीमीटर और डिक्रीज इन डायमीटर, मतलब डायमीटर में जो गिरावट है वो 0.002 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली. एंड अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो हमें पॉइंट के बाद एक जीरो कम कर देंगे तो डायरेक्टली हमें एमएम मिल जाएगा. तो 0.45 mm और 0.02 mm रिस्पेक्टिवली, मतलब इंक्रीज इन लेंथ और डिक्रीज इन डायमीटर दिया गया है. तो यहां पे हम डेटा पहले मेंशन कर देता हूं, डायमीटर 16, लेंथ 120 mm, पी मतलब लोड 150 kN, डेल्टा एल मतलब 0.45 mm और डेल्टा डी चेंज इन डायमीटर है 0.02 mm. एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब कैपिटल ई. पॉइसन देखो यहां पे हम एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि हमें फाइंड करने के लिए बोला है. एंड पॉइसन रेशियो दैट इज म्यू, या फिर वन अपॉन स्मॉल एम मतलब वन अपॉन मॉड्यूलर रेशियो भी बोल सकते हैं. एंड बल्क मॉड्यूलस मतलब के, एंड मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी मतलब जी, जो हमने फॉर्मूला स्टडी किए थे लास्ट में. मैंने बताया था कि ये सभी फॉर्मूला हमें याद रखने हैं फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, तो उसमें ये भी दिया गया था जी. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है एप्साइलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो चेंज इन लेंथ हमें दी गई है 0.45 mm जो हमने कन्वर्ट की, एंड ओरिजिनल लेंथ 120 mm. तो लीनियर स्ट्रेन मिल गया, इसी तरह से हम लेटरल स्ट्रेन भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें डेल्टा डी दिया गया है चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायमीटर जो मैंने बताया कि कुछ कम हो रही है. ये डेटा में दिया गया, दिखा देता हूं एक बार. ये ओरिजिनल डायमीटर, ये चेंज इन डायमीटर 0.02 mm. तो ये हो गया एप्सिलॉन डैश और ये हो गया एप्सिलॉन, लीनियर स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन. तो इसकी मदद से हम म्यू मतलब पॉइसन रेशियो फाइंड कर सकते हैं एप्सिलॉन डैश अपॉन एप्सिलॉन. तो पॉइसन रेशियो हमें मिल जाएगा 0.333 एंड इट इज यूनिटलेस. एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें फाइंड करना है क्योंकि हमें फाइंड करना है स्ट्रेस. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करने के लिए अब तो आप समझ ही चुके होंगे यहाँ पे हमें कौन से डायमेंशन लेने हैं. ये डायमीटर लेना है π/4 d² π/4 × 16², तो एरिया मिल गया 201.06 mm² एंड वी हैव गॉट पी मतलब फोर्स दिया गया 150 × 10³ न्यूटन. तो इस तरह से हमें स्ट्रेस मिल जाएगा 746 mm² एंड वी कैन फाइंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से 746 × 3.75 × 10⁻³. तो हमें यह मिल गया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 1.989 × 10⁵ newton/mm². तो ये दो चीजें हमने फाइंड कर ली, एक तो हो गया पॉइसन रेशियो, एक ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. देन वी कैन फाइंड बल्क मॉड्यूलस के. तो बल्क मॉड्यूलस का हमारे पास ये फॉर्मूला है
वी नीड टू रिमेम्बर दिस, याद रखना है हमें के इज इक्वल टू एम अपॉन ई, एम इंटू ई अपॉन थ्री इंटू एम माइनस टू। तो हमारे हमें एम के फाइंड करना है, तो एम है हमारे पास थ्री, कैसे मिला, म्यू इज इक्वल वन अपॉन एम इज इक्वल टू 0.333, मतलब 1 अपॉन एम इज इक्वल 0.333 है, तो एम को सब्जेक्ट बना के 3 मिल सकता है हमें आंसर। एम है हमारे पास, कैपिटल ई है हमारे पास, तो यहां पे हम सब्जेक्ट बना करके डायरेक्टली के फाइंड कर सकते हैं, 1.989 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हो गया बल्क मॉड्यूलस। एंड द लास्ट थिंग व्हाट वी नीड टू फाइंड इज, लास्ट था हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू एम इंटू कैपिटल ई अपॉन टू इंटू एम प्लस वन। तो एम है, ई है, तो हम डायरेक्टली जी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये मैंने जी लिखा है यहां, जी, तो जी इज इक्वल टू दिस 74.58 × 10³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो दोस्तों ये दो फॉर्मूला जो है वो हमें मगअप कर लेने हैं, k इज इक्वल टू एम इंटू ई अपॉन थ्री इंटू एम माइनस टू, और जी इज इक्वल टू एम इंटू कैपिटल ई, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन टू इंटू एम एम प्लस वन। तो ये हो गया हमारा फोर्थ एग्जाम्पल, जहां पे पॉइसन्स रेशियो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हमने फाइंड किया। एंड लास्ट एग्जाम्पल फॉर टूडे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, सो क्विकली विल गो विद द लास्ट एग्जाम्पल। अ स्पेसिमेन हैज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी 6 × 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 1.5 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। डिटरमाइन द पॉइसन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल। मतलब एक स्पेसिमेन हमें दिया गया है, इसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मतलब कैपिटल जी, जी हमें दिया गया है 6 × 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हमें दिया गया है 1.5 × 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। डिटरमाइन द पॉइसन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल, मतलब म्यू फाइंड करना है हमें इस मटेरियल के लिए पॉइसन्स रेशियो। तो डेटा गिवन ई और जी है हमारे पास, फाइंड म्यू मतलब पॉइसन्स रेशियो। वी नो दैट दिस रिलेशन, वो मैंने जब बताया कि हमें फॉर्मूला याद रखना है जी इज इक्वल टू एम इंटू ई, तो यहां पे हमें म्यू फाइंड करना है, तो म्यू के लिए हम 1 अपॉन एम भी फाइंड कर सकते हैं, और 1 अपॉन एम फाइंड करने के लिए हमें एम फाइंड करना होगा। तो यहां पे जी की वैल्यू है हमारे पास, ई की वैल्यू है, तो हम डायरेक्टली एम को सब्जेक्ट बना करके बाकी सब वैल्यू इनपुट करके फाइंड कर सकते हैं। एम की वैल्यू हमें 4 मिली है, तो म्यू इज इक्वल 1 अपॉन एम, मतलब 1 अपॉन 4 है 0.25। तो दिस वॉज अ शॉर्ट क्वेश्चन, और डायरेक्टली हमें 1 अपॉन एम करके फाइंड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो म्यू मतलब 1 अपॉन एम, दैट इज 1 अपॉन 4, आंसर है हमारा पॉइसन्स रेशियो 0.25। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ऑल ऑफ यू आर राइटिंग दिस एग्जांपल्स इन योर नोटबुक एंड इवन कैलकुलेटिंग। कैलकुलेटर इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, फिर से एक बार बता रहा हूं, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस डायरेक्टली इन द एग्जाम। So thank you for watching.